Yes, we are live now. Hello friends, this is Brahma Sare and welcome to Angel Technology. Yes, today we are discuss about the second chapter of biology, biological classification. Yes, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं biological classification का आगे की तरफ बढ़ते हुए kingdom Monera. जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया था Monera के बारे में और आज हम लोग को क्या पढ़ना है कि Monera में जो bacteria है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में आज हम लोग को समझ लेना है कि जो Monera है Monera में किसको रखा गया है बैक्टीरिया को और आज हम लोग डायरेक्टली स्टडी करने वाले हैं बैक्टीरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है और बोर्ड पे ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और आज हम लोग क्या करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि बात करें बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया को यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया में सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं जो ऐसे बिंदी से जैसे हमने स्ट्रक्चर बना रखा है इसको कहा जाता है स्लाइम और फिर कैप्सूल लेयर। याद रखे रहेंगे बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया के चारों तरफ जो लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्लाइम और कैप्सूल लेयर। एक छोटी सी बात ध्यान देना आप, कब इसे आप स्लाइम लेयर कहेंगे कब इसे आप कैप्सूल लेयर कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा जब यह बाहर वाला जो लेयर है सिर्फ और सिर्फ सैकेराइड का मिलकर के बना रहेगा तब आप इसे कहिएगा स्लाइम लेयर। लेकिन जब स्लाइम लेयर के साथ अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, ध्यान में रखेंगे जब स्लाइम लेयर में सैकेराइड के साथ अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तब इसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल लेयर। एट ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय आउटरली बाय द स्लाइम और कैप्सूल लेयर। मतलब जो बैक्टीरिया है वह चारों तरफ से किसके द्वारा घिरा रहता है तो स्लाइम या फिर कैप्सूल लेयर। कब इसे स्लाइम लेयर कहते हैं तो जब यह सैकेराइड का मिलकर के बना रहेगा तो स्लाइम लेयर और सैकेराइड के साथ अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तो इसे आप कहिएगा कैप्सूल लेयर। बात क्लियर है। एक बात ध्यान दीजिएगा सबसे बाहर की तरफ आप देख रहे हैं तो क्या है स्लाइम या फिर कैप्सूल लेयर है ना, लेकिन आप इसके नीचे की तरफ देखेंगे कुछ मोटा मोटा वॉल पाया जा रहा है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। एट ऑल सबसे बाहर की तरफ स्लाइम या फिर कैप्सूल लेयर था और उसके नीचे क्या होगा तो सेल वॉल होगा। बच्चों एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट की सेल वॉल होता है वह सेलुलोज के मिलने से बना होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वह सेलुलोज का नहीं बना रहता है तो किसका बना रहेगा भाई। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वह तीन चीजों के मिलने से बना होता है, तीन तरीके के कंपोनेंट के मिलने से बना होता है। ये तीनों कंपोनेंट है कौन, तो तीनों कंपोनेंट में सबसे पहला है एनएसटील ग्लूकोसामिन, दूसरे वाले का नाम है एनएसटील म्यूरामिक एसिड और तीसरे का नाम है डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। एटोल कहने का मतलब ये है कि जो सेल वॉल है वह सेल वॉल तीन चीजों तीन कंपोनेंट्स के मिलने से बना होता है, एनएसटील ग्लूकोसामिन, एनएसटील म्यूरामिक एसिड और डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। इन तीनों चीजों के मिलने से क्या बना रहता है सेल वॉल बना रहता है। बच्चों एक बात ध्यान में देखेंगे कि ये जो वीडियो सिर्फ हमें देखना ही नहीं है बल्कि हमको ये टारगेट करना है कि आपको सिर्फ वीडियो देखते ही देखते सारी चीजें मैं याद करवा दूं, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे बाहर की तरफ क्या था तो सबसे बाहर था स्लाइम या कैप्सूल लेयर और सेकंड लेयर क्या था तो सेल वॉल था। और सेल वॉल कितने चीजों के मिलने से बना था बेटा बता दो, तीन। सबसे बाहर की तरफ क्या था एनएसटील ग्लूकोसामिन, दूसरे नंबर पे था एनएसटील म्यूरामिक एसिड और तीसरे नंबर पे था डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। एक बात ध्यान में रखेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यह तीनों को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा तीनों को एक शब्द में कहते हैं म्यूकोपेप्टाइडोग्लाइकॉन। याद में रखिएगा म्यूकोपेप्टाइडोग्लाइकॉन के नाम से या फिर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको सेल वॉल को। बात क्लियर हो गई, आगे की तरफ बढ़िएगा। सबसे पहले था सेल वॉल, सबसे बाहर था स्लाइम या कैप्सूल लेयर, नंबर पे टू क्या है सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल के ठीक नीचे देखेंगे ये वाले स्ट्रक्चर जो पतली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। मीन्स सेल वॉल के ठीक नीचे जो लेयर पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना रहेगा लिपिड और प्रोटीन का बना रहेगा। बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
वह आगे की तरफ आने के बाद से यह मुड़ मुड़ करके, यहाँ पे देखिएगा अंदर की तरफ मुड़ मुड़ करके, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे अंदर की तरफ धस करके ऐसी उंगली जैसी संरचना बना लिया है जिसे हम लोग कहते हैं मीसोसोम। इसका नाम क्या है? मीसोसोम नाम है, याद रखे रहेंगे मीसो, यस ओ मीसोसोम, ठीक है बातें क्लियर हो गई। तो मीसोसोम क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ धस धस करके उंगली जैसी संरचना बना लिया है जिसका नाम क्या है? मीसोसोम है। और मीसोसोम वास्तव में बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको मैं बता दूं बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कौन करेगा इसमें? तो रेस्पिरेशन कौन करेगा? तो मीसोसोम करेगा। ठीक है बातें समझ में आ रही है। अब आगे की तरफ ध्यान दीजिएगा, सबसे बाहर था स्लाइम या कैप्सूल लेयर, नंबर टू पे था सेल वॉल, नंबर थ्री पे था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या था? मीसोसोम था। मीसोसोम के यदि अंदर देखेंगे आप तो इसमें पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल भरा रहता है, पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल भरा रहता है जिसे हम लोग या तो साइटोप्लाज्म कहेंगे या तो मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है इसे हम लोग या तो साइटोप्लाज्म कहेंगे या फिर कहेंगे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। अब एक बात ध्यान देना, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के अंदर कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा सबसे बीच में होगा डीएनए जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा रहेगा। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे जो डीएनए इसका होगा यानी कि जो क्रोमोसोम होगा यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा रहेगा। क्यों नहीं घिरा रहेगा? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। हमने आपको बताया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घिरा रहता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड कहेंगे। यानी कि प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के बीच में जो डीएनए होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। एक बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोइड से एक्स्ट्रा, न्यूक्लियोइड से एक्स्ट्रा ध्यान में रखेंगे, एक्स्ट्रा क्या है? सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, देखिएगा डबल स्टैंडर्ड है ना, डी यू बी एल ए डबल स्टैंडर्ड, ये वास्तव में है क्या? तो डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो न्यूक्लियस से एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। यानी कि प्लाज्मिड और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरिया कॉल्ड एज प्लाज्मिड। याद रखेंगे प्लाज्मिड है क्या? जो बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल उपस्थित होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मिड के अलावा इसमें और भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो कि मैक्सिमम 70 यश के होंगे। जो भी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो कितने यश के होंगे? 70 यश के राइबोसोम होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में कितने यश का राइबोसोम होता है? 80 यश का राइबोसोम है, इसे आप बहुत पहले समझ चुके हैं। तो ध्यान में रखेंगे इसमें राइबोसोम कितने यश का होगा? 70 यश का राइबोसोम होगा। बातें क्लियर हो रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है। अब आगे तरफ ध्यान दीजिएगा, इन सभी के अलावा इसमें कुछ ये संरचना दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा सोम का मतलब राइबोसोम, राइबोसोम एक दो तीन है ना, तीन यानी कई ज्यादा है, तो इसको कहा जाएगा क्या? पॉलीसोम। जब राइबोसोम बहुत ज्यादा उपस्थित हो एमआरएनए के ऊपर तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीसोम कहेंगे। यानी पॉलीसोम है क्या? राइबोसोम का ज्यादा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना किसके ऊपर? एमआरएनए के ऊपर, तो इसे हम लोग क्या कहने लगेंगे? पॉलीसोम। और बाकी इसमें उपस्थित होता है सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए। ठीक है बातें समझ में आ रही हैं। और एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं आपको, ठीक है याद कर लेना, बिल्कुल भूल के नहीं जाना है। सबसे बाहर की तरफ क्या था? स्लाइम या फिर कैप्सूल लेयर। स्लाइम लेयर कब कहते हैं? जब सैकराइड जाएगा, लेकिन सैकराइड के साथ अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तब क्या कहेंगे? कैप्सूल लेयर कहेंगे। कैप्सूल लेयर के नीचे क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल कितने चीजों के मिलने से बना होता है? तीन, एनएसटील यूरेमिक एसिड, एनएसटील ग्लूकोसामिन, डाइअमिनो पाइमेलिक एसिड, तीनों को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइडो ग्लाइकोन कहते हैं। आगे की तरफ सेल वॉल के नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका बना हुआ? लिपिड और प्रोटीन का। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस करके मुट्ठी जैसे संरचना बना लिया है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? मीसोसोम। और मीसोसोम किसमें हेल्पफुल करता है इसको? तो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है बाकी इसके अंदर देखे थे इसमें पूरा लिक्विड मटेरियल भरा हुआ था
जिसका नाम क्या था, साइटोप्लाज्म या फिर मैट्रिक्स। और साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में न्यूक्लियॉइड उपस्थित होता है और बगल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल उपस्थित होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। और इसकी संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक किसी बैक्टीरिया में हो सकती है। आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेडरबर्ग। क्या नाम था? लेडरबर्ग। इन्होंने 1865 में, तो याद रख लीजिएगा, 1865 में प्लाज्मिड की डिस्कवरी किया था। किसने? तो लेडरबर्ग ने किया था। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। तो लेडरबर्ग ने इसकी डिस्कवरी की, किसकी? प्लाज्मिड की। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 100 तक। इनके अलावा इसके अंदर क्या होता है? 70S का राइबोसोम होता है और पॉलीसोम, ये सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, थोड़ी बात और भी समझिएगा। इनके अलावा इसमें जो है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल भी उपस्थित होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसमें क्या क्या रहेगा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी उपस्थित हो रहेंगे। एक बात देखना, अभी तक तो हम बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहे थे, है कि बात नहीं? अभी तक इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहे थे ना, थोड़ा आ जाओ बाहर की बात कर लेते हैं। तो यदि बैक्टीरिया के बाहर देखेंगे तो जो स्लाइम लेयर है इसी के नीचे से यह पाइली निकला रहता है। ये देख रहे हैं हेयर जैसे कुछ संरचना निकला है, इसका नाम है पाइली। और पाइली जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। पाइली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जो छोटा वाला है, ध्यान दें, छोटा वाला जो, देखिए एक बड़ा है, बड़ा और छोटा, तो जो छोटा वाला है उसे हम लोग कहते हैं सेक्स पाइली, और जो बड़ा वाला है उसे हम लोग कहते हैं कॉमन पाइली। दोनों में से किसी एक को सेक्स पाइली कहेंगे, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? कॉमन पाइली कहेंगे। इसके अलावा जो है इसके हम लोग सरफेस पे देखते हैं तो बहुत बड़ा सा हेयर जैसी संरचना उपस्थित होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजला। और फ्लैजला की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज हम लोग समझे क्या? तो मोनेरा में उपस्थित जो बैक्टीरिया का डायग्राम, काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके। और इसके आगे ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप इसको दोबारा देख लेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।